स्मार्टफोन्स की दुनिया की बात करो तो एप्पल सबसे ट्रस्टफुल ब्रांड है और सबसे पॉपुलर ब्रांड भी है, पर एप्पल का सबसे पॉपुलर जो प्रोडक्ट है वो है आईफोन सीरीज। जी हाँ, आईफोन 12 की इस साल रिलीज होने वाला था और रिलीज होने वाला भी है, बट कोरोना वायरस के सीन के कारण पूरी दुनिया में जो हालात थे तो सबको लग रहा था कि शायद आईफोन 12 इस साल ना हो, शायद लॉन्च डिले हो जाए या कैंसिल ही हो जाए, बट एप्पल ने कमर कस ली और वो लेके आने वाला है बहुत ही जल्दी आईफोन 12 और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके। और मिस्टर जॉन प्रोसर ने डेट्स लीक कर दी हैं और उनकी जो लीक्स है वो हमेशा 80% तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो ठीक ही होती हैं। सितंबर 7 को लीक है कि iPad Pro और साथ में ही Apple Watch Series 6 का वो रिलीज हो सकता है एक प्रेस रिलीज के थ्रू, और साथ में ही अक्टूबर वो मंथ होने वाला है जिसमें iPhone 12 आप सबको देखने को मिलेगा अक्टूबर 12 को। एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको अक्टूबर 12 को ही देखने को मिल जाएगा iPhone 12 और 12 Max। जी हाँ, वैसे तो वेरिएंट, चार वेरिएंट्स है, iPhone 12 हो गया, iPhone 12 Max हो गया, iPhone 12 Pro हो गया और iPhone 12 Pro Max हो गया, ठीक है। बट जो प्रो सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी नवंबर के मंथ में, उनकी भी उन्होंने एक लीक दी है कि हाँ वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। तो मैं आईफोन 12 और 12 की बात करूँ तो वो 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आपके प्री ऑर्डर्स होंगे और साथ में ही शिपमेंट भी इसी डेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक से या नवंबर की मिड तक आपको आईफोन 12 देखने को मिल जाएगा हमें इंडिया में, और साथ में ही दिसंबर तक हमें प्रो सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। वैसे तो बहुत से रूमर्स थे, ये भी एक मतलब लीक ही है, बट फिर भी हमें उम्मीद है कि आईफोन 12 जरूर रिलीज होगा इस साल में। और वैसे भी एक और रूमर बहुत था कि इस बार शायद एयरपॉड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इनबॉक्स, और साथ में आपको चार्जिंग अडेप्टर भी देखने को नहीं मिलेगा इनबॉक्स, तो सिर्फ एक सिंपल फोन ही बीच में होगा। तो ये रूमर बहुत ही ज्यादा मतलब रोमांचक है और मिस्ट्री है कि क्या होता है इसके बॉक्स में, वो तो हमें चलो लॉन्च में पता लग ही जाएगा। आज की वीडियो को अंत तक देखें ताकि पता लग सके कि क्या क्या होना चाहिए इस फोन में, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्पेक्स की हाईलाइट होने वाली है जो आईफोन 12 में। तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, उससे शुरू करने से अकाल नमस्कार, हेलो टू ऑल, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है आपके अपने मिस्टर शुली चल पे। तो आइए आज कुछ नया सीख ही लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम आप सबने करना है, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, वहाँ पे आएगी ऑल की ऑप्शन, उसे दबाने से क्या होगा कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिख जाएगी, तो आप हमारे वीडियोज़ का आनंद उठा पाएंगे। शुरुआत करते हैं स्पेसिफिकेशंस हाईलाइट की। तो यहाँ पे जो लीक्स निकल के आ रहे हैं इन वेरिएंट्स के, तो मैं सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूंगा, ये होगा हमारा पहला पॉइंट। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी जो बिल्कुल सिमिलर होने वाली है आईफोन 5S की तरह, वही बॉक्सी डिजाइन मिलेगा, वही टफ सा आपको डिजाइन देखने को मिलेगा जो आप आईफोन 5S में देखते थे, तो वही चीज यहाँ पे सिमिलर होने वाली है। आईफोन 12 और 12 मैक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एल्यूमिनियम फ्रेम और साथ में ही होने वाली है वाइड सी नॉच। ये वाइड नॉच जो है इसमें आपके वही फेस आईडी सेंसर्स हैं, आपके सेल्फी कैमरास इनबिल्ट हैं, बट ये जो वाइड नॉच है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है देखने के लिए, पर चलो कोई बात नहीं। और साथ में हमारा जो कैमरा सेटअप है यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप मतलब मिलने वाला है, ये थोड़ा मजेदार नहीं होगा, या प्राइमरी कैमरा वो वाइड कैमरा होने वाला, साथ में होगा टेलीफोटो कैमरा, तो वो थोड़ा सा मजेदार नहीं है, बट हाँ जो सेंसर्स है वो मजेदार होने वाले हैं। IR सेंसर देखने को मिलेगा, साथ में TOF सेंसर देखने को मिलने वाला है, ये एक एप्पल पेटेंट सेंसर है, बिल्कुल लेटेस्ट सेंसर है, टाइम ऑफ फ्लाइट नाम होने वाला है इसका। ये क्या करेगा कि जितने भी आपकी पिक्चराइजेशन है उन सभी चीजों को ये इन्हेंस कर देगा, लाइक आपका ब्लर इफेक्ट है, बुके इफेक्ट्स होने वाले, कलर शार्पनेस होने वाले, कलर सैचुरेशन होने वाले, हर एक चीज़ को शार्प मतलब सैचुरेट कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कर देगा। उससे क्या होगा कि आपकी पिक्चराइजेशन और वीडियो जो आप बनाओगे तो मतलब आईफोन 12 में मज़ेदार बनने वाली है बिल्कुल। वही मैं बात करूँ आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स की, तो ये हमें वैसे फ़ोन बाय करने चाहिए वेरियंट्स। इसमें आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील फ्रेम, ये होने जा रहा है, क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव की गई है काफ़ी, अब वो आएगा मज़ा, देखते हैं वैसे फ्रंट बैक में क्या प्रोटेक्शन होती है ग्लास की या नहीं होती है। और साथ में यहाँ पे भी वाइड नॉच देखने को मिलेगी सिमिलरली, और साथ में यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने को देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये आपको वेरियंट्स लेने चाहिए। साथ में ही IR सेंसर तो है ही है, साथ में लीड डार्क सेंसर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एप्पल की तरफ से,
मजे आएंगे, एयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होने वाला है। पता नहीं इंडियन वेरिएंट में ये अवेलेबल होगा, यहाँ पे TOF लगाया जाएगा या लीडार लगाया जाएगा, बट लीडार जो है मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज किया जाता था, अब वो स्मार्टफोन्स की दुनिया में भी आ चुका है। सेंसर बहुत मजेदार है, एयर एक्सपीरियंस इंप्रूव्ड से भी ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाएगा इसके साथ ही। वही मैं बात करूँ तो उसमें प्रो मैक्स में तो बस साइज बढ़ाया गया है, सेम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी सेम होने वाली है। बॉक्सी डिजाइन तो मतलब सबका ही होगा, सभी वेरियंट्स का ही होगा चारों के चारों का। तो ये एक पहला पॉइंट था जो हमने कवर किया है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो होने वाला है डिस्प्ले। आईफोन 12 की जो डिस्प्ले होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 5.4 इंचेस की होने वाली है। यार मतलब ओएलईडी डिस्प्ले मिलने वाली है आपको, सैमसंग की तरफ से बन के आएगी, वो बेहतरीन चीज है, सुपर रेटिना डिस्प्ले है ओएलईडी वाली, बट जो साइज होने वाला है वो 5.4 इंचेस ही होने वाला है। मतलब मैं बताऊं तो 2340x1080 वाली फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी आपको, 60 हर्ट्ज की ही डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले का हर्ट्ज भी 60 ही मिलेगा, 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा तो थोड़ा डिस्प्ले छोटे होने वाली है आपको, ये मुझे पता नहीं आपको ये सही लगेगा कि नहीं सही लगेगा। मैं वही बोलूँ आईफोन मैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 6.1 इंचेस की डिस्प्ले हो गई है, सेम फीचर्स हैं, वही ओएलईडी है, वही सब चीज़ें हैं, रेजोल्यूशन थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ गई है, 2532x1170 यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी, कलर डेप्थ थोड़ा देखने को ज़्यादा मिल जाएगा, बट हाँ 6.1 इंचेस ज़्यादा बेटर है अगर मैं बात करूँ 5.4 इंचेस से। तो ओएलईडी डिस्प्ले ही है, यहाँ पे सेम 60 हर्ट्ज, सेम 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, वो भी इन्होंने अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, शायद 90 हर्ट्ज हो जाए, बट इसमें कोई श्योरनेस नहीं है कि ये सब हो सकता है। अब बात करते हैं आईफोन 12 और 12 प्रो मैक्स की। तो प्रो में क्या होने वाला है, 6.1 इंचेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, बट यहां पे थोड़ा डाउट है, 50-50% चांसेस है कि 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले देखने को मिल सकती है प्रो मोशन डिस्प्ले। तो ये बहुत ढांसू होगी, है ओएलईडी है बट यहां पे 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्टर होने वाला है इसका। रेजोल्यूशन वही सेम होने वाली है इसकी, पर चीजें यहां पे बेहतर हो सकती है। तीसरा पॉइंट होने वाला है कैमरा का। कैमरा में आपको डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में बता ही चुका हूं कि दो वेयर्स में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विद IR और TOF सेंसर। देखिए जो सेंसर्स होते हैं ये इस बार जो हमारा बायोनिक A14 चिप था उसके कारण ही ये सेंसर इंप्रूव्ड यहां पे लग चुके हैं। अगर मैं बात करूं ड्यूल में तो वही वाइट कैमरा होगा सेंसर आपको देखने को मिलेगा, उससे सेकंड कैमरा होने वाला है वो टेलीफोटो होने मिलेगा, वही आपके बुके इफेक्ट्स के लिए, पोर्ट्रेट के लिए और साथ साथ में ब्लर इफेक्ट्स के लिए जो आपको ये कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा स्टूडियो इफेक्ट्स के लिए। बट वही बात करूं तो प्रो और प्रो मैक्स में तो यहां पे जो कैमरा सेटअप है ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक तो होगा वाइट कैमरा, सेकंड कैमरा होने वाला है अल्ट्रा वाइड कैमरा और थर्ड कैमरा होने वाला है टेलीफोटो और साथ में लीडार सेंसर। यार वो आ जाएगा तो फुल मजे होने वाले हैं एयर एक्सपीरियंस के लिए, और साथ में ये IR ब्लास्टर सेंसर तो है ही है, नहीं तो इंडियन वेरिएंट में अगर TOF मिल जाए तो क्या हमें जो बढ़िया पिक्चराइजेशन और वीडियो क्वालिटी चाहिए होती है। तो कैमरे के इस बार मजे होने वाले हैं, मतलब एप्पल का जो कैमरा होता है वो प्रॉमिसिंग होता है अगर आप उसको ज़्यादा जूम ना करो तो, मतलब नहीं तो पिक्सल फट जाते हैं, तो ये ज़रूर चीज़ देखने वाली होगी। फोर्थ फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्थ फीचर होने वाला है इसका प्रोसेसर। जी हाँ, प्रोसेसर ही मेन चीज होने वाली है इन फोन्स में, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है लेटेस्ट A14 बायोनिक प्रोसेसर जो कि फैब्रिकेट किया गया है 5 नैनोमीटर पे। अभी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 चल रहा था, 5 नैनोमीटर पे प्रोसेस्ड होके आएगा, पर A14 ऑलरेडी बायोनिक हो गया है और वो लग भी चुका है इन फोन्स में, काफ़ी अच्छी एफिशिएंट उसमें हमें देखने को मिलेगी पावर, बहुत मज़े आने वाले हैं। इस प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि A13 ऑलरेडी काफ़ी फास्ट था और काफ़ी बेटर उसका यूज़र एक्सपीरियंस था, तो A14 उससे भी ज़्यादा बेटर होने वाला है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। जी हाँ, डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी हो गया, कैमरा हो गया, मैं अगर बात करूँ तो अब प्रोसेसर हो गया, पर फिफ्थ में हम बात करेंगे रैम और स्टोरेज की। जी हाँ, आईफोन 12 और 12 मैक्स जो अवेलेबल होने वाले हैं वो है 4GB रैम और 128GB और 256GB स्टोरेज के साथ में। 64GB वाला कंसेप्ट इन्होंने अभी रखा ही नहीं है, अच्छी बात भी है, बहुत जल्दी भर जाता है यार। और वही बात करूँ आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6GB रैम और साथ में ही 128GB, 256GB और 512GB की स्टोरेज।
500 वाला जीबी महंगा होने वाला है प्रॉपर वाला। तो ये आपको यहाँ पे मजे आने वाले हैं, जीबी ज्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे, तो ये चीज उन्होंने बेहतर की है। तो बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, तो ये होने वाला है बैटरी का। जी हाँ, आईफोन्स की बैटरी आपको पता ही कितनी कम होती है और बैटरी बैकअप तो होता है पूरा माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा। तो आईफोन 12 की बात हो तो यहाँ पे 2227 सिर्फ और सिर्फ 2227 एमएएच की बैटरी ही देखने को मिलेगी। वही बात करो आईफोन 12 मैक्स की तो वहां पे 2775 मतलब 2775 एमएएच की बैटरी ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो बैटरी से यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया गया ऐसे रूमर्स मुझे लग रहे हैं। अगर बात करो आईफोन 12 प्रो मैक्स की प्रो की तो वहां पे सिंपली आपको 2775 एमएएच ही देखने को मिलेगा। प्रो मैक्स में जाके जो सबसे महंगा वाला फोन होने वाला है वहां जाके आपको 3682 एमएएच की बैटरी देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, नहीं तो अभी तो हमारे बजट फोन्स में यार 6000 एमएएच की बैटरी आ रही है। मतलब पता नहीं क्या एप्पल सोच रहा है, इतने कम बैटरी कैपेसिटी क्यों रख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सेटिस्फाइड लगता है कि इतना बैटरी कैपेसिटी होना चाहिए आईफोन 12 में। बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की। जी हाँ, जो सबसे जरूरी पॉइंट है कनेक्टिविटी। सभी के सभी वेरिएंट्स 5G इनेबल्ड होने वाले हैं, ये होने वाले हैं प्रॉपर मजे हमारे। और साथ में यहाँ पे ड्यूल सिम का सेटअप भी हो सकता है, एक फिजिकल सिम होने वाली है, दूसरी हो सकती है ई सिम, तो ये चीज भी यहाँ पे हैपन हो सकती है। नहीं तो क्वार्टर वन में आपको 4G वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, वो थोड़े सस्ते होंगे ऑब्वियस बात है। तो 5G है इनेबल्ड है, ये मजे होने वाले प्रॉपर वाले। बात करते हैं 8th पॉइंट की, या सबसे जरूरी पॉइंट प्राइस का। आईफोन की प्राइस तो माशाल्लाह आप सबको पता ही है कितनी खतरनाक होती है, जयराम जी की हो जाती है हम सबकी कि इतनी ज्यादा प्राइस देके हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता वैसे आईफोन्स को लेना। बट जो आईफोन यहाँ पे मैं 12 की बात करूँ, बेस जो यहाँ पे लीक्स निकल के आए हैं उस बेस वेरियंट की, मुझे लगता नहीं कि इतना होगा, मात्र 50,000 का 4GB 128GB वाला वेरियंट है। आपको लगता है इतना सस्ता होगा? मुझे तो नहीं लगता है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको विश्वास होता है इस प्राइस के बारे में जान के। 4GB 256GB आपको सीधा मिल रहा है 58,000 का। अगर बात करूं iPhone 12 Max की तो वो जो आपको 4GB और 128GB वो मिलेगा आपको सीधा 58,000 का। और साथ में अगर 4GB 256GB जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 64,000 का। तो मतलब प्राइजेस लग नहीं रही इतनी कम होने वाली है। पर अगर हाँ चार्जर साथ में ना हुआ या साथ में आपको एयरपॉड्स भी ना मिले तो शायद ये प्राइस भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। iPhone 12 Pro के मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो 6GB 128GB जो वो होने वाला है नियर अबाउट 75,000 का। और मैं बात करूं 6GB 256GB जो होने वाला है वो होने वाला है 83,000 का। और यहां पे मैं बात करूं 6GB 512GB की जो कीमत होने वाली है वो होने वाली 98,000 के नियर अबाउट। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे महंगे वेरिएंट की iPhone 12 Pro Max की, जो सबका बेस वेरिएंट होने वाला है 6GB 128GB, इसकी प्राइस हो सकती है 83,000 to 84,000 अप्रॉक्सीमेटली। बात करूँ 6GB 256GB की तो इसकी प्राइस रेंज हो सकती है नियर अबाउट सीधा 90,000 to 93,000। और लास्ट जो वेरिएंट होने वाला है 6GB 512GB सबसे बड़ा जो वेरिएंट होने वाला है 1,05,000 to 6,000 के नेबरहुड, मतलब 1,00,000 से ऊपर चला ही गया है, जो मतलब अभी लीक्स में 1,00,000 से ऊपर चला गया। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फोन महंगे हो सकते हैं क्योंकि जीएसटी भी बढ़ा है यार इस साल इंडिया में, तो शायद ये हो सकती है चीजें महंगी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करोगे ही करोगे यार, मुझे जरूरत भी है इस चीज़ की, हमें मोटिवेशन भी तो इससे तो मिलती है यार, तो आप लोग करना बहुत ज़रूरी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग घर पे होंगे या सुरक्षित होंगे, गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।